तो सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 26 जनवरी बिशिंग स्क्रिप्ट वेबसाइट, बिशिंग वेबसाइट कैसे बनाए आप लोग अपने फ्रेंडों को विश करने के लिए। आप लोग बिशिंग वेबसाइट को बना करके आप व्हाट्सएप या किसी के एप्लीकेशन के सारे उसको शेयर करना चाहते हो। तो चलिए हम बता देते हैं उसको कैसे बनाना। उसको बनाने के लिए आपको मैं फटाफट आपको बनाना सिखा देते। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। आप लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना बिशिंग स्क्रिप्ट मेकर। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ उसी ट्रिक को आप उसी प्रकार से आपको इसको फॉलो करना। बिशिंग स्क्रिप्ट मेकर आपको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर की वेबसाइट मिल जाएगी। तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नया वेबसाइट यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर एक वेबसाइट खुल करके आ गई है। जब तक यहाँ पर मेरा बिशिंग वेबसाइट बन रही तब तक आप भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में घंटी को दबा दें। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंटर इवेंट टाइटल, तो आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना। जो भी आपका नाम टाइप है आप लोग अपना जो भी नाम यहाँ पर डालना चाहते हैं आप लोग डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर एक बार क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर नीचे इस पर एरो पर क्लिक करना। आपको 26 जनवरी की बनाना, तो आपको 26 जनवरी यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, सेट कर देना। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर शायरी लिख देनी है। यहाँ पर नए साल या जो भी आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, फिर आपको नीचे भी यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी भी एक यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आते जाएंगे, जैसे नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर 26 जनवरी यहाँ पर जो भी आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है आप लोग यहाँ पर किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आपको जो भी बेहतर लगे आप लोग उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर इस वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया फिर से आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहीं पर इस पर भी एक किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको मैं बता दें तो आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग उसी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से आपको सामने यहाँ पर बहुत से ढेर सारे कॉलम आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आपको ढेर सारे कॉलम आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लगे आपको 6-7 कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर रोज का ऑप्शन आ जाएंगे, रोज वाले कॉलम है यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेना। आपको फ्लोवर के यहाँ पर कॉलम है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐड आईडियो, आप लोग 26 जनवरी का आईडियो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक आईडियो का ऑप्शन, यहाँ पर 26 जनवरी का आईडियो चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी नहीं लिखा मिलेगा तो आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा। आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, आपको उसको ही सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से मिलेगा ऑप्शन, आपको इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के यहाँ पर सॉन्ग आ जाएंगे। इस प्रकार से आने के बाद आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लगे तो आपको उसी सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पर किसी भी सॉन्ग को यहाँ पर बजा करके भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि आपको मैं बजा करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इसी बार इस सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन है, ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ऐड इमेज उसी वाली वेबसाइट पर ऊपर यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड इमेज यहाँ पर किसी भी इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर किसी भी इमेज को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग यहाँ पर इस वाली इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आपको जो भी आपको टाइप करना है अपने चैनल का नाम, यहाँ पर जो भी आपका, फिर से आपको इसी तरीका से अपना नाम टाइप कर देना है। मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आप लोग इसको कैसे खोलना चाहते हैं, आप लोग इसको फिंगरप्रिंट से खोलना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पर बिशिंग वेबसाइट को खोलना है तो आपको यहाँ पर कैप हेयर या क्लिक हेयर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्लिक हेयर पर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आपकी बिशिंग वेबसाइट एकदम बन करके रेडी होने वाली, आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा हमारा लोडिंग होना स्टार्ट, जब तक हमारा लोडिंग होना स्टार्ट बिल्कुल ही हो चुका है, इस प्रकार से आपका भी यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी कमेंट की राय दे सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही तो आपको यहाँ पर ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना, आप लोग यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। आपका यहाँ पर नाम डालने को बोलेगा, आप लोग यहाँ पर जो भी अपना नाम डालना चाहते हैं। तो मैं अपना यहाँ पर चैनल का नाम डाल देता हूँ।
तो इस प्रकार से डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना। आपको यहाँ पर अंगूठी आप किसी भी से आपको यहाँ पर टच कर देना। जैसे आप टच करेंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर खुल करके आ गई है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके, जैसे आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे यहाँ पर किसी भी फ्रेंड को आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को इसिंग वेबसाइट पर आप लोग अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में घंटी को दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।